गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम विजय वर्मा। टुडे इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 3A ऑफ चैप्टर 3 मल्टीप्लिकेशन फॉर क्लास 4th। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 इज फिल इन द पार्शियल प्रोडक्ट एंड फाइंड द प्रोडक्ट। मींस यहां पर हमें क्या करना है, पहले पार्शियल प्रोडक्ट करना है, फिर इसको सिंप्लीफाई करके जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको लिखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले 10 की मल्टीप्लाई 20 से करते हैं। कैसे करेंगे, देखो 2 1 2 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे भी एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो, तो टोटल कितनी जीरो हो गई, 20, तो 20 लिख देंगे। अब 10 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, तो 10 5 50। क्लियर। अब देखिए, अब हम करेंगे 6 की मल्टीप्लाई 20 से, तो 6 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो क्या आएगा, देखो 6 2 12। क्लियर। और आगे क्या है, पे एक जीरो, तो एक जीरो लिख देंगे। ओके, और 6 5 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 30। अब हमें करना क्या है, ये जो हमारे पास चार नंबर है ना, फोर नंबर से जो है, इनको प्लस करेंगे। तो पहले 200 लिखते हैं, फिर 120 लिखते हैं, फिर 50 और फिर 30। अब इनको प्लस करते हैं। देखिए, जब इनको प्लस करेंगे तो ये तो जीरो आ जाएगा, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 3 10, 10 का 0 कैरी 1 नेक्स्ट प्लेस पे, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, तो आंसर कितना आया, 400। तो मींस जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 400। ओके, अब हम करते हैं बी पार्ट। तो 10 की मल्टीप्लाई 40 में करनी है, तो 1 की मल्टीप्लाई पहले 4 में करते हैं, तो 4 आ जाएगा, 4 1 4, है ना। यहाँ पर भी एक जीरो है और यहाँ पर भी एक जीरो है, तो यहाँ पे कितनी जीरो आ जाएगी, टोटल 20, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो और यहाँ पे एक जीरो, तो टोटल कितनी जीरो की, 2। अब 10 9 90, 3 40 3 की मल्टीप्लाई 40 में करेंगे, तो 3 4 12, और एक जीरो लिख देंगे यहाँ पर, 3 9 27। तो देखिए, 10 की मल्टीप्लाई 40 में किया तो 400 आ गया, 10 की मल्टीप्लाई 9 में किया तो 90। क्लियर। 3 की मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो 120, और 3 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 27। अब इन नंबर्स को प्लस करते हैं, तो 400, फिर लिखेंगे 120, फिर 90, और फिर इसके बाद 27। अब इनको करते हैं प्लस, तो देखिए 7, जब इनको प्लस करेंगे तो 7 आएगा, 0 प्लस 2 2 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 2 13, तो 13 का 3 कैरी 1, 1 प्लस 4 5 5 प्लस 1 6, तो आंसर कितना है, 637। अब इसी तरीके से सी पार्ट को करते हैं। अब देखिए, 40 की मल्टीप्लाई 20 में करनी है, तो देखो 4 2 8, अब एक जीरो यहाँ पर है और एक जीरो यहाँ पे, तो टोटल 20 होगी, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। 40 की मल्टीप्लाई 8 में करनी है, तो 8 4 32, एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ पे लिख देंगे। 2 की मल्टीप्लाई 20 में करनी है, तो 2 2 4, एक जीरो यहाँ पे तो एक जीरो यहाँ पे लिख देंगे, 2 8 16। अब इन नंबर्स को प्लस करते हैं, तो पहले तो 800 लिखेंगे, फिर 320 लिख देंगे, फिर 40 लिखेंगे, और फिर 60। अब इनको करते हैं प्लस, तो यहाँ पे तो 6 आ जाएगा, ये 0 प्लस 2 2 2 प्लस 4 6 6 प्लस 1 7। अब इनको प्लस करते हैं तो कितना होगा, 11, तो ये आ जाएगा 1176। अब इस तरीके से इसका डी पार्ट करते हैं, तो 30 की मल्टीप्लाई 60 में करनी है, तो 3 6 18, अब एक जीरो यहाँ पर है, एक जीरो यहाँ पर, तो टोटल 20 होगी, तो 20 लिख देंगे। 30 की मल्टीप्लाई करनी है 7 में, तो 3 7 21, अब एक जीरो यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 3 की मल्टीप्लाई 60 में करनी है, तो 3 6 18, और एक जीरो इसको नोट कर लेंगे, 3 7 21। अब ये चार नंबर है, इनको प्लस करना है, तो लिखते हैं 1800, फिर 210 लिखेंगे, फिर 180 लिखेंगे, और फिर 21। अब इनको प्लस करते हैं, 1 1 प्लस 8 9 9 प्लस 2 11 11 का 1 और कैरी 1, 1 प्लस 8 9 9 प्लस 2 11 11 प्लस 1 12 12 का 2 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, तो आंसर कितना आएगा, 2211। क्लियर। अब इसके जो बाकी के जो दो पार्ट है उन्हें आपको खुद सॉल्व करना है।